जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, और जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं गौतम कुमार आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस क्लास विद गौतम सर में आपका स्वागत करते हैं। जैसा आप जान रहे हैं कि आपके लिए हर दिन पसीना बहा करके वीडियो शूट कर रहे हैं, तो आज का वीडियो का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और उस टॉपिक का नाम है केमिस्ट्री का एक टॉपिक है, उसका नाम है धातु और मिश्र धातु। इससे एक क्वेश्चन आपका जरूर आता है, तो ध्यान दिया जाए। चलिए, तो सबसे पहले कह रहा है कि धातु किसे कहते हैं, तो धातु वे तत्व होते हैं, ना वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धनायन बन जाती है, ना धातु कहलाता है। यानी वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धन आयन बन जाता है उसी को क्या कहेंगे, धातु कहेंगे। जैसे सोडियम, सोडियम एक तत्व है और Na हो जाएगा सोडियम आयन है, तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ना, सोडियम का परमाणु संख्या होता है 11 और इसका परमाणु इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो 2, 8 और 1 होता है। तो आप जानते हैं कि हर कोई अपने कक्षा में अष्टक पूरा करना चाहता है, तो इसके वजह की कक्षा में आप देखेंगे कि 2, 8, 1 है जगह, तो ये क्या कर देता है, त्याग कर देता है। जिसका 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है वो त्याग कर देता है, जिसका 5 होता है, 6 होता है, 7 होता है वो ग्रहण कर लेता है। तो यहाँ पर इसने त्याग कर दिया, तो यहाँ पर आप देखेंगे 2, 8 यानी Na+ आयन हो गया। फिर आते हैं दूसरा एग्जाम्पल है Mg, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का होता है 12, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे तो 2, 8, 2 होगा, ठीक है। तो ये अपने बाह्यतम कक्षा में कितना रखना चाहेगा, 8, तो इसे 2 है तो ये क्या करेगा, किसी को दे देगा। तो ये देने के बाद देखिए मैग्नीशियम Mg+2 आयन, Mg+2 आयन, ठीक है। तो चलिए हम देखिए धातु के बारे में कुछ देख लें कि सबसे प्राचीन धातु कौन है, तो तांबा, सबसे प्राचीन धातु तांबा है। पृथ्वी के नीचे पाए जाने वाला अधिकतम धातु एल्युमिनियम है, ठीक है। फिर कह रहा है आधुनिक आवर्त सारणी में पाए जाने वाली धातुएं की संख्या, तो ये 91 से लेकर के 95 के बीच में है। फिर कह रहा प्रकृति में पाए जाने वाले तत्वों की संख्या 92 है। फिर कह रहा आधुनिक आवर्त सारणी के बाईं ओर की तत्वों में धातुई गुण सबसे अधिक होता है ना, यानी बाईं आपका इस साइड, दाएं यानी इस साइड, ठीक है। फिर कह रहा है कि प्राचीन काल में ज्ञात धातुओं की संख्या 8 थी, है ना, प्राचीन काल में ज्ञात धातु की संख्या कितनी थी, 8 है। फिर कह रहा है धातु के घनत्व उच्च होते हैं, मतलब घनत्व इसके क्या होते हैं, काफी उच्च होते हैं। फिर कह रहा है धातु के द्रव्यमान तथा क्वथनांक, है ना, ये दोनों उच्च होते हैं। पारा, पारा यानी मरकरी एक धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, ये इसका अपवाद है, ठीक है। फिर कह रहा है धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। फिर कह रहा है कि धातु अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस छोड़ते हैं। फिर कह रहा है धातु आघात वर्धन होते हैं, यानी पीट करके उसको लंबा जैसे चदरा बनाया जा सकता है। फिर कह रहा है सबसे अधिक आघात वर्धन धातु सोना होता है। फिर कह रहा है कि धातु ताप विद्युत धारा का चालन करता है, यानी सुचालक होता है। ताप एवं विद्युत का सर्वोत्तम चालक चांदी है, ठीक है। फिर कह रहा है धातुओं में एक विशेष चमक होती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मिश्र धातु, मिश्र धातु की परिभाषा है दो या दो से अधिक धातुओं को किसी भी अनुपात में मिलाने पर बनती है मिश्र धातु, यानी दो या दो से अधिक धातुओं को किसी भी अनुपात में मिलाने पर क्या बनती है, मिश्र धातु। अब मिश्र धातु से क्वेश्चन आपका आ रहा है हर एक सेट में, तो जैसा देखिएगा पहला है दोस्त टंका, तो टंका है देखिए टीन और शीशा मिलकर के बनता है। दूसरा है दोस्त कांसा, तांबा और टीन मिलकर के बनता है। तीसरा है पीतल, तांबा और जस्ता मिलकर बनता है। जर्मन सिल्वर, तांबा जस्ता और निकेल। फिर कह रहा बेल मेटल, तो तांबा प्लस टीन मिलकर के बनता है। गन मेटल, तांबा जस्ता टीन। फिर कह रहा रोल गोल्ड, रोल गोल्ड देखिए तांबा एल्युमिनियम। टाइप मेटल शीशा एंटीमनी टीन। फिर कह रहा स्टील, तो स्टील में लोहा कार्बन और स्टेनलेस स्टील में क्रोमियम निकेल लोहा, ठीक है। तो जैसा आप देख रहे हैं कि आपका दो क्वेश्चन दिए हैं प्रैक्टिस के लिए, आप जरूर प्रैक्टिस करें। आप लोग कमेंट भेजे कि आंसर में नहीं बता रहे हैं, आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक है। तो कह रहा है कि जर्मन सिल्वर किसका मिश्र धातु है, ऑप्शन कह रहा है तांबा टीन, तांबा एल्युमिनियम, तांबा जस्ता निकेल,
जो आपका लगे आंसर दीजिएगा इसी में से देना है। फिर कह रहा है कि धातु के ऑक्साइड होती है, धातु के ऑक्साइड होती है, ऑप्शन कह रहा अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ये आपका रहा आज का वीडियो, फिर मिलते हैं अगले दिन किसी अच्छे वीडियो अच्छे टॉपिक को लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।